हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, जो पिछले साल के पेपर 2023, 2022, 2020, 19 और 18 में ये सभी प्रश्न कई बार रिपीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आज हम विज्ञान के संपूर्ण किताब का महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को देखने वाले हैं, जिसमें आप सभी को रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके सामने पहला नंबर का सवाल है। देखिए सवाल क्या है आपके सामने कि रासायनिक समीकरण, जो यहाँ पे समीकरण दिया गया है फ्रेंड्स, देखिए आपका समीकरण क्या है कि BaCl2 प्लस H2SO4 आपका जो अभिक्रिया होगा तो BaSO4 बन रहा है और 2HCl बन रहा है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अभिक्रिया होगा, योगात्मक अभिक्रिया होगा, निराकरण अभिक्रिया होगा या अवक्षेपण अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जब इस समीकरणों को आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ से देखिए BA जो होता है SO4 के साथ आ जा रहा है, यानी कि BaSO4 हो रहा है और Cl जो होता है H2 के साथ में आके 2HCl बना रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि ये एक दूसरे क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें ऑप्शन को जब ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें योगात्मक अभिक्रिया नहीं हो सकता है या निराकरण अभिक्रिया भी नहीं हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं, ये कौन सा अभिक्रिया होगा, एक अवक्षेपण अभिक्रिया इसे कहते हैं या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला नंबर का देखिए फ्रेंड्स, दूसरा नंबर का सवाल आपके सामने क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है। तो फ्रेंड्स, जब आपको ऑप्शन मिले तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के ही इसका आंसर दिया कीजिए। देखिए यहाँ ध्यान से जब पढ़ेंगे तो यहाँ पूछ रहा है ब्लीचिंग पाउडर। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन को पढ़ेंगे Na2CO3.10H2O है, CaOCl2 है, NaOH है या K2CO3 है। तो फ्रेंड्स देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को आप याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी ये आपका सूत्र ना देखे ऐसे लिखा मिल जाएगा CaOCl और यहाँ पे Cl मिलता है, तो ये भी आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का ही सूत्र है। कभी कभी ऑप्शन में ये सूत्र भी मिलता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर का देखिए फ्रेंड्स, तीसरा नंबर का सवाल क्या है आपके सामने कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है H+ आयन, हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है H+ आयन सांद्रण 10^-m है, तो इस विलयन का pH मान बताइए। देखिए फ्रेंड्स, आपको इस सवाल को लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर आप कैसे बताएंगे, बस ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। जब हाइड्रोजन आयन दिया रहेगा तो यहाँ पे आपको जो माइनस घात रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स, जब 10^-घात रहेगा, इस माइनस घात रहेगा ना, तो इसका जो pH मान पूछेगा तो इसका मान किस में हो जाएगा, आपका बस इसको बताना रहेगा तो प्लस 9 कर दीजिएगा, यानी माइनस रहेगा तो उसको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, pH मान +9। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, जब ऑप्शन देखेंगे ए वाला ऑप्शन क्या है आपका, 9 है ना, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, जब भी आपको हाइड्रोजन आयन देगा और इसका pH मान पूछेगा तो यहाँ पे माइनस देगा तो आपका आंसर प्लस में होगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स, अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। चौथा नंबर का सवाल देखिए, एंटीमनी है, आपको बताना है कि जो एंटीमनी है आपका ये क्या है, एक धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है। तो फ्रेंड्स, आप इसको याद रखिएगा, ये 2023 के पेपर में आ चुका है कि एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है, एक आपका एक उपधातु होता है फ्रेंड्स। एंटीमनी क्या है, एक उपधातु है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर का देखिए फ्रेंड्स, ये भी आपके 2023 के पेपर में पूछा जा चुका है। कह रहा है कि NTP पर, ठीक है, NTP पर अधातु, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा शब्द को, अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, आपको बताना है कि ऐसे अधातु का नाम बताना है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन पढ़िए, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या आयोडीन। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अधातु, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक प्रश्न आप याद रखिएगा, पूछता है कि NTP पर आपको पूछता है अधातु की जगह पर धातु पूछ देता है कि ऐसा एक
धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वो होता है आपका पारा। ठीक है, क्या होता है पारा को सिंबल HG से दिखाते हैं, इसे पारा को मरकरी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका ये प्रश्न बन सकता था कि धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो वो होता है आपका पारा। इस सवाल को भी साथ में याद रखिएगा। छठवां नंबर का देखिए प्रश्न फ्रेंड्स क्या है आपका कि कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। तो फ्रेंड देखिए, कार्बन को किससे दिखाते हैं, तो कार्बन को सी से दिखाते हैं। ठीक है, और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। देखिए K, L, M, N कक्षा होता है। देखिए पहली कक्षा में 2 होता है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए तो आपको कितना बच रहा है, 4 ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना। जब 4 इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो इसमें अगले कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और फ्रेंड देखिए, संयोजकता जो होता है किसी कक्षा के जो बाहरी कक्षा होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वही उसकी संयोजकता होती है। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कि किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका क्या होता है, संयोजकता हो जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। 7वां नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु उपस्थित नहीं होता है। फ्रेंड्स ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स जर्मन सिल्वर, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें सिल्वर की मात्रा क्या होगा। सिल्वर को Ag से दिखाते हैं, ठीक है, सिल्वर को Ag से दिखाते हैं। इसका मतलब हुआ कि जर्मन सिल्वर में नाम सिल्वर, तो सिल्वर उपस्थित होगा। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, जर्मन सिल्वर में बस नाम इसका है लेकिन इसमें आपका सिल्वर की मात्रा इसमें उपस्थित नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि इसमें कौन सी धातु उपस्थित नहीं होता, तो सिल्वर ही उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला हो जाएगा। अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। फ्रेंड्स अगला नंबर का सवाल ध्यान दीजिएगा क्या है आपका कि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है, 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी होगी, आपको फोकस दूरी बताना है। तो फ्रेंड देखिए, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, तो ये होता है F = R/2। R जो है वक्रता त्रिज्या, R का मान कितना दिया है वक्रता त्रिज्या का, 40 दिया, तो 40 और बटा के 2 है तो 2 कर लीजिए, भाग देंगे कितना हो जाए, 20 सेंटीमीटर में लिखा था सेंटीमीटर, कितना आ गया आंसर, 20 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को इस प्रकार से आपको लगाना था। अगला नंबर का देखिए, 9वां नंबर का क्या है फ्रेंड्स सवाल कि एक लेंस की क्षमता कितना है, 5D, डी का मतलब यहाँ पर डायोप्टर है, ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो आपको फोकस दूरी बताना है। तो देखिए, आपकी क्षमता और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्षमता को पी से दिखा दे, P = क्या होता है, 1/F होता है, क्या होता है, 1/F। अब देखिए फ्रेंड्स, जब ऑप्शन आपको सेंटीमीटर में रहेगा ना, तो यहाँ पर क्या लीजिएगा, 100, यहाँ पर ले लीजिएगा 100। अब ये जो फोकस है सेंटीमीटर में है, ठीक है, अब यहाँ पे आपको फोकस दूरी, तो देखिए क्या करेंगे, F को यहाँ पर कर लेंगे F, और ये क्या हो जाएगा, 100/P हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कितना दिया है, 100 दिया है, और बटा के पी का मान कितना है, 5 है, 5 का भाग दे दीजिए, 5 × 10 कितना आया, 5, देखिए यहाँ पे 5 × 10 कितना आ गया आपका, 20 आ गया। यहाँ पे ऑप्शन में जब ध्यान देंगे फ्रेंड्स, कितना लगेगा, +20 सेंटीमीटर ना, तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहे प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होती, इस प्रश्न को आप 2-3 बार जरूर पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स कि प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन पढ़िए, वायु, अगला है जल, कांच, निर्वात। तो फ्रेंड देखिए, आपका प्रकाश का वेग सबसे अधिक तेज से कहाँ पे चलती है, तो फ्रेंड्स निर्वात में चलती है। इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होती है। ठीक है, अब अगला नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स, 11 नंबर का क्या है आपका कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होती है, यानी आपको बताना है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम कहाँ पर होती है। ऑप्शन ध्यान दीजिए, लाल में, पीले में, हरे में या नीला में। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर प्रकीर्णन में दो शब्द जरूर याद रखिएगा, एक पूछता है सबसे अधिक, सबसे अधिक पूछता है, और एक आपसे बार बार पूछता है सबसे कम, सबसे कम। ये दो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, दोनों प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक पूछेगा तो वो बताइएगा बैगनी, क्या बताना है आपको, बैगनी रंग की प्रकार, बैगनी रंग की जो होता है प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और सबसे कम पूछेगा तो आप किसका बताइएगा, लाल का बताइए, किसका बताना है आपको, लाल का। इसमें ऑप्शन देखिए,
प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम पूछा है, तो सबसे कम किसका होता है? लाल का। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी प्रश्नों का आंसर। अगला देखिए फ्रेंड्स, 12वां नंबर का क्या है आपका? देखिए 12 नंबर का फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति को यहाँ खाली स्थान, यहाँ पे कौन सा भरना आपको चश्मा प्रयुक्त करना चाहिए। यानी सीधा सीधा इस सवाल का मतलब है फ्रेंड्स कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखिएगा कि दूर दृष्टि दोष को दूर करना है, यानी दूर दृष्टि दोष जो होता है फ्रेंड्स ना उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आपको निकट दृष्टि दोष दूर करना है तो कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स? देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए ये याद रखिए जितने प्रश्न बता रहे हैं फ्रेंड्स, निकट दृष्टि दोष को यदि दूर करना है तो अवतल लेंस। यहाँ पूछा निकट दृष्टि दोष से, इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग जो होता है दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, और निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स 13 नंबर का क्या है? वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है, ऑप्शन ध्यान से पढ़िए कि वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, वाट, किलोवाट, किलोवाट घंटा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखिएगा जो वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर कहिएगा या विभोग कहिएगा, इसका मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। वाट जो होता है फ्रेंड्स शक्ति का मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है? शक्ति। और ये जो किलोवाट है ये शक्ति का बड़ा मात्रक है। ठीक है, किलोवाट घंटा जो होता है फ्रेंड्स ये ऊर्जा का मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है फ्रेंड्स? ऊर्जा का। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स अगला नंबर का सवाल क्या है? ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध होता है, यहाँ बताना है कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होगा। तो फ्रेंड्स सीधे सीधे पहले ऑप्शन को पढ़िए, अपरिवर्तित रहता है, बढ़ता है या घटता है, कभी बढ़ता है या कभी घटता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ताप बढ़ाने पर ना कोई भी चालक तार यदि ताप बढ़ाएंगे तो उसका वैद्युत प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स क्या है, 15 नंबर का, कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में किसका संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स कहने का मतलब इस प्रश्न का कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें कौन सा पदार्थ आपका नहीं बनता है। ठीक है, ऑप्शन आपका है ऑक्सीजन, CO2, जल, ग्लूकोज। तो देखिए फ्रेंड्स जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उस समय आपका ऑक्सीजन बनता है, ठीक है, जल का निर्माण होता है और ग्लूकोज की मात्रा भी निर्मित होता है। लेकिन फ्रेंड्स जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उस समय आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण में किसका संश्लेषण नहीं होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, ना कि वो उसको उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका CO2 क्यों हो रहा है ऑप्शन। अब देखिए फ्रेंड्स अगला नंबर का सवाल क्या है आपका? देखिए क्या है, यकृत स्रावित करता है, ऑप्शन पढ़िए, बहुत बार प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा कि जो यकृत होता है किसका स्रावित करता है, स्रावण किसका करता है? ऑप्शन है लार का, जठर रस का, पित्त रस का या अग्नाशय रस का। तो फ्रेंड्स देखिए आप याद रखिएगा जो यकृत होता है वो स्रावित करता है पित्त रस का। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर देखिए फ्रेंड्स 17 नंबर का क्या है, कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन है जाइलम, कार्टेक्स, फ्लोएम या मज्जा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे दो शब्द को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, एक जाइलम होता है एक फ्लोएम होता है। देखिए फ्रेंड्स जाइलम जो होता है, देखिए ज और ल से मिलकर क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा ना। यहाँ पे होता है कि पौधों में जल का स्थानांतरण कौन करता है? तो जाइलम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बच रहा है भोजन, तो भोजन का स्थानांतरण जो करता है फ्रेंड्स वो फ्लोएम होता है, यानी कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण करता है फ्लोएम। इन दोनों शब्दों को, जाइलम और फ्लोएम जो होता है, इन दोनों शब्दों को आप जरूर याद रखिएगा, पेपर में बहुत पूछता है फ्रेंड जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। ठीक है, अगला नंबर देखिए फ्रेंड्स 18 नंबर का सवाल क्या है, कि मूत्र निर्माण होता है, यानी कि मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन वृक्क में होगा, यकृत में होगा, प्लीहा में होगा या हृदय में होगा। तो फ्रेंड देखिए जो उत्सर्जित तंत्र होता है उसमें आता है वृक्क। आपका जो होता है मूत्र का जो निर्माण होता है कहाँ पे होता है? तो वृक्क में होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मूत्र का निर्माण कहाँ पे होगा? यकृत, सॉरी दोस्तों वृक्क में होगा। अगला सवाल क्या है फ्रेंड्स,
कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, यानी मास्टर ग्रंथि कहलाती है, ऑप्शन एड्रिनल को कहेंगे, पिट्यूटरी को, या वृषण को, या अंडाशय को। देखिए फ्रेंड्स, मास्टर ग्रंथि जो होता है आपका पिट्यूटरी जो ग्रंथि होता है उसे हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है आपका कि मुकुलन द्वारा जनन पाया जाता है। फ्रेंड्स, आप मुकुलन के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा कि मुकुलन के द्वारा जनन किसमें होता है, ये प्रश्न आपके बहुत पूछता है पेपर में। ऑप्शन क्या है कि हाइड्रा में, काकरोच में, केंचुआ में, या कबूतर में। तो फ्रेंड्स, जो मुकुलन द्वारा जनन होता है वो होता है आपका हाइड्रा में, तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी की संपूर्ण किताब के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न थे वो सभी आपको कराए हैं। इसी प्रकार से सभी किताब का आप सभी को महत्वपूर्ण प्रश्न कराते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।